श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं गुरलीन कौर धालीवाल, नौवीं जमात की विद्यार्थन, तुहाडे सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर चानना पाउन जा रही हूँ। दुनिया विच ना जिसका कोई सानी है, अज उस गुरु की गल करिए। 26 साल जिसने भोरे विच बैठ के तप किया, अज उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए। दिती गई जो चांदनी चौंक विच, उस कुरबानी की गल करिए, उस कुरबानी की गल करिए। सच्चा मनुख वह हुंदा है जो धर्म की राखी लई अपनी जान भी कुरबान कर दे। जो कोई भी इंसान उसकी शरण विच आवे, उसकी रक्षा करनी उसकी जिम्मेदारी बन जाए। हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की राखी लई महान कुरबानी दी। गुरु अर्जन देव जी की कुरबानी तो बाद आप की कुरबानी नाल भारत की दबी कुचली ते हाकम के जुल्म हेठ कुरला रही कौम अपने हकां ते जुल्म नाल टक्कर लैन दे काबल हो गई ते कुरबानियां देने लई तैयार बर तैयार हो गई। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु सन। उन्हां दा व्यक्तित्व बहुपक्षी ते विलखण सी। आप दा जन्म श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर माता नानकी की कुखों 1 अप्रैल 1621। आप दा बचपन का नाम त्यागमल सी। आप गुरु साहब के सब तो छोटे सपुत्र सन। आप दा बचपन अमृतसर विखे ही बीतिया। फिर आप अपने माता ते पिता नाल कुछ साल बाद करतारपुर आ गए। आप बचपन तो ही संत स्वरूप, अटोल चित, गंभीर ते निरपय सुभा वाले सुभाव के मालिक सन। 1634 ईस्वी आपने अपने पिता नाल मिल के करतारपुर के युद्ध विच अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाया। इस तो ही उन्हां दा नाम त्यागमल तो तेग बहादुर हो गया। 1632 आप दा विआह भाई लाल चंद की पुत्री माता गुजरी जी नाल होया। 26 दिसंबर 1666 बाल गोबिंद राय ने उन्हां दे घर जन्म लिया, जिन्हां नूं अज आपां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाम तो जानते हैं। गुरु हरगोबिंद जी के ज्योति जोत समाउन तो बाद आप पिंड बकाला विच आ गए ते उत्थे 26 साल भोरे विच बैठ के सिमरन करते रहे। 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी ने ज्योति जोत समाउन तो पहला गुरु अगले गुरु बारे इन्ना ही इशारा किया कि 9वें गुरु बाबा बकाला विच हन। आप दे गुरु प्रगट होने की कहानी बहुत निराली है। ये सुन के बाई दंबी अपने आप नूं गुरगद्दी दे मालक दसन लगे ते गुरु बन बैठे। अखीर 1 साल पिछों भाई मक्खण शाह लुबाणा, जो गुरु घर दे श्रद्धालु सी अते एक वपारी भी सन, उन्हां दा जहाज समुद्री तूफान विच फस गया। उसने परमात्मा अगे अरदास कीती कि जे उन्हां दा जहाज सही सलामत समुद्री तूफान विचों समान समेत वापस आ जावे तां गुरु जी अगे 500 सोने दीआं मोहरां दी भेट करनगे। उन्हां दा जहाज बच गया ते अपनी सुखना पूरी करन ओ 500 दे सोने दे सिक्के लै के बाबा बकाला पहुंचे। उन्हां ने उत्थे 22 गुरुआं दीआं 22 मंजियां लगियां वेखियां। उन्हां ने हर एक गुरु सामने 5-5 सोने दे सिक्कियां दी भेंट कीती, पर उन्हां विच्चों कोई कुछ ना बोलिया। कुछ पुछगिछ करन तो बाद उन्हां नूं पता लग्गिया कि एक गुरु भोरे विच वी रहिंदे हन। ओ भोरे विच गए ते उन्हां सामने 5 सोने दे सिक्कियां दी भेंट कीती। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਣਾ ਤੂੰ 500 ਹੋਣੇ ਦੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ 5 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਦੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲੈਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
आप द्वारा हुकूमत की नीति अनुसार इस्लाम धर्म ना कबूल करन कारण चांदनी चौंक की कोतवाली विच आप नूं अनेकां कष्ट दिते जांदे हन, पर आप अडोल रहे। गुरु जी की दृढ़ता नूं देख के हाकमां ने फैसला किया कि इन्हां दे सिख साथियों नूं शहीद किया जाए। भाई मती दास नूं आरे विच चीर दिता जाता है, भाई सती दास नूं रूह विच लपेट के साड़ दिता जाता है, भाई दयाले नूं उबलदी देग विच शहीद कर दिता जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी शहीदी प्राप्त करन लई तैयार। जल्लाद ने आपदा सिर धड़ नालों वख कर दिता। इस तरह आपने सीस दिता पर सिर ना दिता। ए महान बलिदान नवंबर 675 ईस्वी विच होया। इत्थे अज कल गुरुद्वारा शीश गंज सुशोभित है। आपदा एक सिख आपदा धड़ लैके रकाबगंज पहुंच गए, जिथे आपदा संस्कार किया गया। इत्थे एक शानदार गुरुद्वारा बनिया होया है। आप ने अपना बलिदान दे के सिद्ध कर दिता, बाह जिन्ना की पकड़ी है सिर दीजे बाह ना छोड़ी है। आप दी महान कुर्बानी ने लोकां दी सोचनी विच इनकलाब ले आंदा। आप दी कुर्बानी तो बाद ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ दी साजना कीती ते जालम हुकूमत दियां जड़ां हिला के रख दित्तियां। सो गुरु तेग बहादुर जी ने मानव जाति नूं संदेश दिता है कि डरन वाला कायर है अते डराउण वाला जालम। इसलिए ना किसे तो डरो अते ना ही किसे नूं डराओ। धन्यवाद।